कार्य जो कि दिनांक 28 जुलाई 2021 को दिया गया है। इस गृह कार्य के अंतर्गत टोटल 5 क्वेश्चन है, हम प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, आरंभिक मानव के लिए जानवर किस प्रकार से चलते फिरते खाद्य भंडार थे? तो यहाँ आंसर लिखेंगे, आरंभिक मानव के लिए जानवरों से मांस दूध भोजन के लिए लगातार मिलता रहता था, इसके लिए इन्हें चलते फिरते खाद्य भंडार बोला गया है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, आरंभिक कृषि एवं पशुपालन के साक्ष्य उपमहाद्वीप में कहाँ कहाँ से मिले हैं? तो यहाँ आंसर लिखेंगे, आरंभिक कृषि एवं पशुपालन के साक्ष्य पश्चिमोत्तर क्षेत्र, आधुनिक कश्मीर और पूर्वी तथा दक्षिणी भारत में खोजे गए हैं। थर्ड क्वेश्चन है, गर्तवाद से क्या अभिप्राय है एवं ये कहाँ से मिले हैं? तो यहाँ आंसर लिखेंगे, पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों में झोंपड़ियाँ और घरों के निशान मिले हैं, जैसे बुर्ज होम। वर्तमान कश्मीर के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे जो गर्तवास कहलाते थे, इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ है, मेहरगढ़ से किस प्रकार के साक्ष्य पुरातत्वविदों को प्राप्त हुए हैं? तो यहाँ आंसर लिखेंगे, यहाँ से विभिन्न प्रकार के पालतू एवं जंगली जानवरों की हड्डियाँ मिली हैं, यहाँ से चौकोर एवं आयताकार घरों के अवशेष मिले हैं, यहाँ से कब्रों में मृतक के साथ कुछ सामान रखने संबंधी साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ है, बुर्ज होम से मिले पुरातात्विक साक्ष्यों का संक्षेप में उल्लेख करो। यहाँ आंसर लिखेंगे, यहाँ आंसर में लिखेंगे, यहाँ से झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं, गड्ढे के नीचे घर बनाने के साक्ष्य मिले हैं जिन्हें गर्तवास कहते हैं, इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी, आग जलाने के साक्ष्य मिले हैं, पत्थर के औजार जो पॉलिश से युक्त होते थे तथा इनकी धार पैनी होती थी के साक्ष्य मिले हैं, अनाज तथा वनस्पतियों को पीसने के लिए ओखली और मूसल के प्रयोग के साक्ष्य मिले हैं। तो ये था क्लास 6 के सब्जेक्ट इतिहास का कंप्लीट गृह कार्य। हम इसी तरह अन्य सब्जेक्ट्स अन्य क्लासेस के गृह कार्य देखते रहेंगे, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।